अरे यार देखो इससे इसी से बना देंगे एफ, ऐसे मारेंगे एफ बन जाएगा। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ले फिर आ गए। जय हिंद दोस्तों, दिस इज फिटनेस, आपका स्वागत है। हम हैं संतोष यादव भैया। इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं सिक्स पैक एप्स का वर्कआउट। बिगिनर्स लोग सिक्स पैक एप्स कैसे बनाएं, जो बच्चे हैं वो स्टार्ट कैसे करें। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं हमको बिस्कुट एक तरह ऐप्स चाहिए, जैसे ऋतिक रोशनवा का है, जैसे टाइगर श्रॉफ का है, या बड़े बड़े बॉडी बिल्डर देखते हैं इसे निकला रहता है, गड्ढा भरा रहता है। तो भैया अगर आप नेचुरली ऐप्स बनाओगे ना, ऐसा नहीं ऐप्स रहेगा और दिन भर आपका ऐप्स से उभर के बाहर नहीं रहे, क्योंकि आप खाना वाना खाते हो, पानी वानी पीते हो, वो हमेशा एकदम मतलब आपने कुछ लोड किया है तो पेट तो बाहर निकलेगा, पेट गुब्बारे की तरह है, अगर भर लोगे थोड़ा फूल जाएगा, समझ लो। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है, तुम्हें क्या है ना, इंस्टाग्राम वाले लोग दिखते हैं एकदम तगड़े ऐप्स वाले, बॉडी बिल्डर दिखते हैं एकदम तगड़े ऐप्स वाले। अरे गुरु, जब वो कंडीशन में होते हैं तभी फोटो शूट करा देते हैं 500,000 देके, 100-150 फोटो करवा लेंगे, उसको एडिट करवा के डलवाते रहते हैं। कुछ लोग तो पेट निकाले हैं लेकिन सिक्स पैक वाली फोटो डालते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो कंडीशन में रहते हैं ना फोटो खिंचवा लेते हैं। इस माइंड से दूर रहो, अगर हमेशा कंडीशन में है तो अपने हफ्ते में 3 दिन ऐप्स को ट्रेन करो, और पेट कम रहेगा तो ऐप्स दिखेगा तब, जब खाली पेट एकदम ज़्यादा खाली पेट रहोगे तभी दिखेगा, खाना वाना खा लोगे एकदम रिप्ड ऐसे बाहर नहीं निकला रहेगा। तो 5 मिनट टाइम लगा के निकाल के वीडियो देख लो, करेंगे ऐप्स वर्कआउट, बवाल मचा देंगे, नेचुरली सिक्स पैक बना देंगे, लेट्स गो। ध्यान रखने योग्य बातें सुन लो, खाना खाने कम से कम 3 घंटे बाद ऐप्स वर्कआउट करना, या सुबह खाली पेट करना। ऐप्स वर्कआउट से पहला पानी मत ढापना कि पानी पिए जा रहे हैं, ऐप्स किए जा रहे हैं, भैया फालतू का हो जाएगा। उसी मसल को ट्रेन करो, ज़्यादा पानी मत डालो, बहुत ही प्यास लग रही है एक घूट पी लेना बस। तो पहले एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ऐसे भैया लेट जाएंगे जमीन पर, कहीं भी ऐसे जमीन पर लेट गए, अपने पैर को 90 डिग्री ही ऐसे कर लेंगे, 90 डिग्री है समझ रहे, कुंवर बन गया, अब सीधे हो गए एकदम, पेट को टाइट रख लिया, थोड़ा गर्दन उठा लिया, इसे गर्दन फिक्स, पूरा पेट एकदम टाइट। अब हम लोग करेंगे पहले ड्रैग करके एकदम घुटनवा को, चलो एकदम हाथ ऐसे जाओ ऊपर, ये आराम से नीचे आएंगे, देख रहे हो बहुत इजी है। अगर आप करोगे तो बहुत झटके मार के रहे, कुछ लोग ऐसे करेंगे तो अगर आप तैरने लगेंगे ना तो डूब जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तैरना कैसे है। तो भले सीखो बे, नीचे गए ऊपर गए, आराम से आ रहे हैं, पूरी मसलवा को यूज कर रहे हैं, अपर एप्स इसमें यूज हो रहा है। अगर आप सही से करेंगे, कंट्रोल करेंगे, गर्दन को नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट एप्स यूज कर रहे हैं। और सुनो, लोअर बैक तुम्हारी एक स्थान पे देखो चिपकी हुई है, सिर्फ हमारा जो अपर एप्स है और अपर बैक है वही उठ रही है और जाके स्क्वीज करा दे रही है हमारे अपर एप्स को। एक बार में करना है पता है तुमको, 20 बार 20 20 के 4 सेट लगाओगे, गजब तरीके से तुम अपने अपर एप्स को ट्रेन करके फेंक दोगे। तो ये हो गया पहली एक्सरसाइज, 4 सेट लगाना, 4 सेट बोलते हैं, सेट वाला वो नहीं, सेट मतलब एक बार में कितनी बार आप कर रहे हो वही होता है सेट। तो 4 बार में आपको 80 बार करना है, 1 बार में 20 बार करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 करने वाले हैं, देखो इससे इसी से बना देंगे ऐप्स, ऐसे मारेंगे ऐप्स बन जाएगा, ये चुतियाफा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे इक्विपमेंट जरिए के, देखो एक समान हो गया, ऐसे रख लिए हम लोग, अपने पैर को 90 डिग्री करके ऐसे बैठ गए, सीना ऊपर ले लिए, सीना ऊपर लियो और पीछे हाथ कर लो इस तरीके से, सीना ऊपर, ये हो गया आपका कंडीशन, और पीछे यहाँ ये चेस्ट अप हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला कर देंगे, चलो करके दिखाओ पहले कैसे कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से एक बार इस तरफ फिर एक बार उस तरफ। इससे क्या हो गुरु, समझ रहे हो, ये है नी बेंड तुम्हारे लोअर एप्स के लिए, जो नीचे यहाँ पे चर्बी लटक जाती है उसके लिए एक्सरसाइज है, आप आसानी से कर सकते हो गजब तरीके से, पूरे ओवरऑल लोअर एप्स की जो चर्बी उसे काट के बाहर कर देगी, और तुम्हारे लोअर एप्स में जो फालतू की चर्बी लटकी होगी वो जब गायब हो जाएगी, तुम्हारा जो पेट है फालतू का उभरा हुआ नहीं दिखेगा, फिट लगने लगोगे तुम। तो इसको आसानी से करना है, ध्यान देके, तुम्हारी जब आंख इस पर केंद्रित रहेगी ना तभी तुम इसे निशाना भेद पाओगे, वरना इटवा गिरा दोगे तुम और कहोगे हमसे हो ही नहीं रहा है। तो एक बार में करना है 20 से 25 बार स्लो कंट्रोल स्क्वीज, पूरा ध्यान देके, पूरा माइंड लगा के, और रेस बना दोगे। एक्सरसाइज नंबर 3 जो करेंगे, देखो ऐसे हम लोग जमीन पे साइड पे एक हाथ के सहारे लेट जाएंगे, चलो भाई घुटना ऐसे जमीन पे रखा और पूरा एकदम सीधी लाइन बना ली, पूरे पैर नीचे रखो इस तरीके से, हाथ को यहाँ रखो, ये हो गया एक सीधी लाइन इस तरीके से। आपको टिके रहना है कम से कम 1 मिनट तक, पूरे जो साइड में आपकी चर्बी है वो गायब होगी। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हम एक ही तरफ लटके रहे हैं और इस तरफ की भी गायब हो, तो पैर उठाना चालू कर दो, ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्लाइटली आराम आराम धीरे धीरे करोगे, साइड की चर्बी गायब हो जाएगी। सुनो, तुमको ज़्यादा भागना नहीं है, आराम से करना है, स्लो करना है, कंट्रोल करना है, स्क्वीज करना है, तभी ऐप्स आएगा। तुमको ऐसा लग रहा है एक दिन में ऐसा बनेगा, एक दिन में नहीं गेम है ये, कम से कम 3 महीने का गेम है। कंट्रोल स्क्वीज, स्लो कंट्रोल स्क्वीज, टिके रहोगे, हो सके तुम पैर उठा लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। 4 सेट लगाओ
और हर सेट में आप हो सके तो एक मिनट तक टिके रहो, और अगर तुमको लग रहा है तो ये भी कर सकते हो ऐसे ऐसे। गुरु ये था एब्स वर्कआउट, जो कहीं भी कर सकते हो। स्टार्ट करो भाई वर्कआउट करना, स्टार्ट करो हफ्ते में 3 दिन जब कसरत करो उसके बाद 20 मिनट एक्सरसाइज कर दो एब्स की, हमेशा कंडीशन रहेगा। अगर कंडीशन नहीं रहेगा तो कंडीशन हो जाएगा, मजबूत हो जाए, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ उठाते बैठाते हैं कहीं भी ताकत लगाते हैं ना, पेट से ही ताकत लगाते हैं। अगर तुम्हारा कोर मजबूत नहीं रहेगा ना, तुम्हें इंजरी बार बार होगी। तो आगे बढ़ो, अपने दराग चलाओ, बवाल मचाओ, न संघर्ष न तकलीफ, का मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। फिर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, बॉल मचाते रहो। जय हिंद।